नमस्कार दोस्तों, यूथ इन्फो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं कि चुनाव कर्मी को चुनाव के दौरान घटना पर क्या हर्जाना मिलेगा। निर्वाचन विभाग ने सभी को सूचित किया है कि लोकसभा आम निर्वाचन 2019 में प्रतिनियुक्त संबद्ध कर्मियों के किसी भी दशा में मृत्यु या शारीरिक क्षति होने पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में उनके निकटतम आश्रित या रिश्तेदार को राहत अनुदान की राशि नियमानुसार प्रदान की जाएगी, जो इस प्रकार है। चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुआ तो मृतक 10 लाख रुपया आश्रित को दिया जाएगा। यदि मृत्यु असामाजिक तत्वों द्वारा बम ब्लास्ट, रोड गाइंस, सशस्त्र हमला इत्यादि के द्वारा हुआ तो न्यूनतम 20 लाख रुपया आश्रित को दिया जाएगा। चुनाव कर्मी को स्थायी विकलांगता होने पर न्यूनतम 5 लाख रुपया दिया जाएगा। चुनाव कर्मी को यदि स्थायी विकलांगता जैसे हाथ पैर टूट जाना, आंखों की रोशनी नष्ट हो जाने पर असामाजिक तत्वों द्वारा बम ब्लास्ट, रोड माइंस, सशस्त्र हमला आदि द्वारा हुई हो तो न्यूनतम 10 लाख रुपया दिया जाएगा। चुनाव की घोषणा की तिथि से चुनाव कार्य में सम्मिलित सभी सरकारी गैर सरकारी कर्मी इसके लिए पात्र होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में पत्र का लिंक दिया हुआ है, आप यहां से पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिल सके। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।